इक्वेशन करके देखा था कि किस तरह से पाथ डिफरेंस होता है डेल बराबर लाइक दैट। अब हमारे पास ये जो यहाँ से डिफ्रेक्टेड वेव्स है उनको हमने क्या नाम दिया, y1, y2, y3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव या सुपरपोजिशन की फिनोमिना होती है, तो हम लोग सबको ऐड कर देते थे। ऐड करने के बाद हमारे पास सिंपल यहाँ पर ये डेरिवेशन करने के बाद यह वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन हुई थी। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज है कहाँ तक आ गए थे, हम लोग सॉल्व करते हुए यहाँ तक आ गए थे। अब यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी है इसका मान हम कैसे निकालें, ये इंटेंसिटी का मान हम लोग कैसे निकालें। द इंटेंसिटी ऑफ द डिटेक्टेड वेव विल बी लाइक दैट, मीन्स आई जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होल पावर ऑफ टू। तो इंटेंसिटी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यह आ चुकी है, तो y मोड के फॉर्म में लिया है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव फॉर्मेट में लेने के लिए उन्होंने मोड ले लिया है, तो i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू लाइक दैट हम लोग लिख सकते हैं। ये तो एज इट इज वैसा वैसा आ गया, लेकिन ये स्क्वायर होने के कारण से सब वैल्यू कहाँ में चले गई है, स्क्वायर में हो गया, यानी हर जगह यहाँ पर 2 आ गया। क्या आ गया आपके पास, 2 आ जाता है। तो ये एक तरह से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हमारे पास, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये इधर कहीं भी लिखो, आप इधर लिखो या इधर लिखो, इसमें कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगी। इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो मैंने लिखा था, हमने लिखा था साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा लिखा था आपने, तो यहाँ पर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन वी कैन राइट साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, एज अ रिजल्ट ऑफ वी कैन राइट हियर लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारे पास आई नोट साइन स्क्वायर, अब मैंने सारी इस क्वांटिटी को क्या मान लिया, यहाँ पर ये जितना भी है इसको आई नोट मान लिया, और ये हमारे पास फंक्शन है आई इक्वल्स टू लाइक दैट, यानी हमारे पास ये जो फार्मूला है आई इक्वल्स टू ए साइन ए साइन, हम लोग ओमेगा टी लिखते थे वहाँ पर साइन ओमेगा टी, तो सेम इसी फॉर्मेट में हमारे पास क्या जाता है, ये इक्वेशंस आ जाती है, ये वाली इक्वेशंस। तो हम इसको आगे जाकर किसे सिंप्लीफाई करें या इसी में से कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग फाइंड करें, क्योंकि हमारा सारा जो भी प्रॉब्लम है वह आई नोट से है, तो यहाँ पर मेरे पास यही आई नोट मेरे पास यहाँ पर ग्राफ के अंदर बनता है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पर इसलिए पहले ही समझा दिया था कि फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा हमने क्यों लिया है, फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा क्यों लिया है, क्योंकि जब हम लोग एक पिक की अगर बात करते हैं तो पिक जो बनता है वो कैसा बनेगा, ये लाइक है, ये पूरी पिक बनती है। फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा, ये इसकी फुल विड्थ, फुल ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का हाफ, ये पूरी विड्थ है, अब पूरी लंबाई है, अब ये हाफ पर फुल विड्थ आना चाहिए, इसकी इंटेंसिटी पर हाफ करने पर ये फुल विड्थ, ये फुल विड्थ, ये जो लेंथ होगी वह फुल विड्थ होगी। तो यहाँ पर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा के नाम से जानते हैं। तो फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा की अगर हम बात करें इस ग्राफ से, जो कि एक्सरे डिफ्रेक्शन के अंदर सुपरपोजिशन फिनोमेना होने पर हमारे पास मिलता है, तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा की अगर बात करें तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, आई नॉट बाई टू होना चाहिए, यहाँ पर आई नॉट बाई टू होना चाहिए। इस कंडीशन में मेरे पास ये जो मेरे पास आई आया है, इस इक्वेशन को हम क्या करें, इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर देते हैं,
आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन सी स्क्वायर के टी साइन थीटा बी प्लस साइन थीटा बाई टू। इसको हम इसके मान से हमको क्या करना है, इसको सेट करना है या इसको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज अगर हम करें तो मेरे पास यहाँ पर सिंपल है, आई का मान क्या रख दूँ, आई नॉट बाई टू रख देता हूँ। क्या रख दूँ मैं यहाँ पर, इसकी जगह में आई नॉट बाई अगर टू रख देता हूँ तो मेरे पास इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आई नॉट आ जाएगा और ये आई नॉट वाला इससे कट जाएगा, तो ये 1/2 बचेगा और बाकी ये वाला पार्ट इस तरफ लिख दिया मैंने। ये जितना बचेगा वो इस साइड मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो इस तरह से मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट बनकर आता है वह क्या बनेगा, ये आता है। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो वैल्यूज हमारी है वह कितनी आएगी, साइन सी स्क्वायर के टी साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस बाई टू इक्वल्स टू 1/2 होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, साइन स्क्वायर अगर इधर लाते हैं तो 1/√2 हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा। इसको हम अब मैक्सिमा और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे पास फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा पर थीटा का मान कितना होगा, थीटा बी प्लस डेल थीटा में इंक्रीमेंट आएगा। इसी तरह से मेरे पास अदर साइड में अगर हम जाएं तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा बी माइनस डेल थीटा आएगा। तो यदि मैं इसमें ये अपर माइनस अगर ये कर देता हूँ, ये अगर ये कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 2 डेल थीटा के बराबर इसका डिस्टेंस आ जाएगा, यानी इसका डिफरेंस आएगा। यहाँ से यहाँ अगर डिस्टेंस की बात करें हम या डिफरेंस की बात करें तो कितना आएगा, ये 2 डेल थीटा के बराबर इसका मान आ जाता है। तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए, इफ एंगल्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस, यहाँ पर मेरे पास साइन सी स्क्वायर 1/√2, ये साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है या फिर 30 की होती है या और किसी की होती है, किसकी होती है सर, 60 की होती है। 1, 2, 3, 4 60 की होगी कि 30 की होगी, 45 किसकी होगी, यहाँ पर इसकी 45 किसकी होगी, आपके पास 45 होगी। ये हमारे पास 45 एंगल दूसरा मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 45 एंगल यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये जो इमेजिनेशन किया है वो 45 डिग्री का एंगल हो सकता है। अब इफ एंगल्स सेटिस्फाइड, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्या है एंगल हमारे पास, ये जो एंगल है किसको है, इस कंडीशन को जस्टिफाइड करता है। ये ब्रेक की कंडीशन का सॉल्यूशन है, मतलब ब्रेक की कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, तो ही हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी कंडीशन आपकी जनरेट हो रही है वो ब्रेक कंडीशन पर जनरेट होती है। अगर ये सेटिस्फाइड अगर होता है तो मेरे पास यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इस साइड है मेरे पास और एक इस साइड है, लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर ये जो थीटा भी है ये तो मेरे पास ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो थीटा की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ से ये वाली वैल्यू रखूँगा, यहाँ से ये वाली वैल्यू रखूँगा, दो बोथ राइट बोथ साइड फॉर बोथ साइड। उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ जो वैल्यू आएगी आपकी, इस तरफ वाली वैल्यू आपकी क्या आना चाहिए, ये नेगेटिव एक्सिस तरफ है, किधर है, ये पॉजिटिव एक्सिस तरफ है। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज पुट अप करने पर इसका जो सॉल्यूशन है वह क्या आना चाहिए, नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए, तो ही ये कंडीशन क्या होगी, इस एंगल के लिए जस्टिफाइड होगी। इसी तरह से अगर इस साइड वाला अगर एंगल रखता हूँ तो यहाँ पर क्या वैल्यू आना चाहिए, प्लस वाली वैल्यू आना चाहिए, तो ही ये क्या होगी आपकी, ये जो ब्रेक कंडीशन है वह जस्टिफाइड होगी।
तो इस तरह से हम क्या एज्यूम करेंगे, जब माइनस आप थीटा रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। अगर आप प्लस वैल्यू रखते हैं, थीटा भी प्लस डेल थीटा अगर रखते हैं तो इसका मान पॉजिटिव आना चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करूं मैं, इसको सब्स्टिट्यूटिंग 7 फ्रॉम इक्वेशन 8, दैट मीन्स क्या करा, इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस होके ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया मैंने, क्या किया मैंने, इसमें से इसको अगर माइनस किया तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये कैंसल हो जाएगी, और माइनस क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी आपकी, थीटा भी और माइनस डेल थीटा के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले के अंदर साइन के जो फॉर्मूले होते हैं, साइन ए माइनस साइन बी वाले फॉर्मूले, क्या निकालूं मैं, साइन ए माइनस साइन बी का अगर फॉर्मूला अगर मैं फाइंड करता हूँ तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो साइन ए माइनस क्या बनता है, हमारे पास ये जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हो। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो साइन ए माइनस साइन बी बराबर क्या आएगा, 2 साइन, इसका अगर फार्मूला अगर लिखा जाए तो क्या फार्मूला आता है, 2 साइन, हाँ, ए माइनस बी, ए माइनस बी बाय 2, और क्या होता है, तो कॉस कॉस ए प्लस बी ए बाय प्लस टू बी बाय 2, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, इस फार्मूले को इस फार्मूले में मैं फिट करूंगा। नाउ अनदर थिंग इज दैट, यहाँ पर विड्थ ऑफ द डिफ्लेक्शन पीक इज नॉट वेरी वाइड, क्या है, ये नेरो है। टू अलाउ द यूज ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन शुड बी लाइक दैट, यानी आपके पास साइन ये जो डेल थीटा है शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये कंडीशन होगी तो ही हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास साइन डेल थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, डेल थीटा लिखा जा सकता है। और डेल थीटा बराबर क्या होता है, अभी इसको आपने बीटा फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा बोला था, आपने क्या बोला था, यहाँ से बीटा, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी आपके पास, बीटा थी। अगर बीटा का मान अगर निकालना तो मैंने ये यहाँ पर निकाला था, ये तो बीटा इक्वल्स टू ये आ गया मेरे पास, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, वैसे बीटा पढ़ते हैं इसको। तो बी बराबर क्या आ गया मेरे पास, डेल थीटा बराबर क्या जाएगा, बी बाई टू लिखा जा सकता है, वेयर बीटा फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा, दैट मीन्स क्या हो गया, ये डेल थीटा बाई टू क्या जाएगा, ये डेल सॉरी क्या आएगा, बीटा, हाँ बीटा बराबर, बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, टू डेल थीटा, बीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा, टू डेल थीटा के बराबर आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास ये अगर एजम्पशंस लेता हूँ मैं कि डेल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये इसके अपॉन में 2 है, क्या है, इसके अपॉन में 2 है, तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू यहाँ पर जनरेट होगी। देखो के टी तो एज इट इज है, क्या है, के टी एज इट इज यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, कॉस थीटा बी क्या आ गया आपके पास, और ये आ गया मेरे पास बी बाय टू, क्या आ गया मेरे पास बी बाय टू। तो यहाँ से मेरे पास ए माइनस बी अगर करता हूँ तो ए माइनस बी, तो यहाँ से ये थीटा से तो थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, टू थीटा बाई टू हो जाएगा, तो डेल थीटा बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ से डेल थीटा बचेगा, और डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन वी कैन राइट डेल थीटा इक्वल्स टू बी बाई टू, एज अ रिजल्ट ऑफ यहाँ पर साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा की जगह ये लिख सकते हैं। अब हम कॉस की बात करते हैं, यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो डेल थीटा से डेल थीटा कैंसिल हो जाएगा और टू थीटा बाय
टू थीटा बी बाय टू आएगा, तो टू से टू कैंसिल और क्या बच जाएगा, थीटा बी। तो कॉस के लिए मेरे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा बी, यहाँ से क्या बचेगा, कॉस थीटा बी बचेगा, और साइन से मेरे पास क्या बचेगा, बी बाई टू बचेगा। तो इस तरह मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पुट अप करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया, राइट साइड एज इट इज, राइट साइड एज इट इज मैंने लिख लिया। ये क्लियर हो गया? यस सर, हाँ, चले अब आगे। ओके यस नाउ सर। वी कैन अप्रोक्सीमेट साइन। अब ये जो मेरे पास राइट साइड जो वैल्यूज आई है वो मैं एज्यूम करता हूँ। देखो यहाँ पर वी कैन अप्रोक्सीमेट, ये जो वैल्यूज हमारे पास है पाई बाई टू, पाई बाई टू दैट मीन्स क्या होगा, 90 क्या होगा, और साइन 90 की वैल्यू लगभग कितनी होती है, हाँ वन, वन साइन 90 की वैल्यू वन के बराबर होती है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर ऐसा एजुम्पशंस कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है आपकी वो मैक्सिमम है, क्या है आपके पास मैक्सिमम, ऐसा हम लोग एजुम्पशंस अगर करते हैं तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज आएगी किसकी, इसकी, इसका मान मैं मान लेता हूँ पाई बाय टू, इसका मान क्या मान लेता हूँ पाई बाय टू। अगर ये ऐसा अगर अप्रोक्सीमेशन अगर हम लेते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या आता है, ये हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन ये सेटिस्फाइड कब होता है, वन के कंडीशन में, क्या आपके पास वन के कंडीशन में, यानी इसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करेगा, ये क्या होगा आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करता है। और मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज की वह कितनी होती है, वन होती है। तो यहाँ पर मेरे पास वन होगा तो ये इसका मान क्या मान सकते हैं हम लोग, पाई बाई टू के अप्रोक्सीमेट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अगर ये अगर एज्यूमशन हमने किया है तो ये क्या जाएगा आपके पास, टू से टू कैंसिल हो, पाई बचा मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, क्या आ गया आपके पास के टी, और के बराबर क्या होता है, टू पाई बाय लेमड़ा, के बराबर क्या होता है आपके पास, टू पाई बाय लेमड़ा होता है। तो के की जगह क्या रख दूं मैं, टू पाई बाय लेमड़ा रख देता हूँ, टी एज इट इज है, और कॉस थीटा बी मल्टीप्लाइड बाय बी बाय टू इक्वल टू पाई। अब यहाँ से सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया, इधर से आपके पास लेमड़ा यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला गया, इधर चला गया, तो यहाँ पर लेमड़ा बच गया, इधर बी बच गया, और इधर टी कॉस थीटा बी शेष बचता है, और यहाँ से मेरे पास टी इक्वल टू क्या आ गया, टी इक्वल टू लेमड़ा बाई बीटा कॉस थीटा बी के बराबर हमारे पास आ जाता है। एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज ए डिवाइस शिरर इक्वेशंस, इसे डिवाइस शिरर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, और इस प्रकार से इसका ये डेरिवेशन फार्मूला हमारे पास प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम डिवाइस शिरर फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं।